गुड मॉर्निंग। और मैं आ गई हूँ बुलबुल को पिकअप करने है आज। गुड मॉर्निंग, क्या हाल? बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। हैं? थोड़ी सी नींद। हाँ यार, कल बहुत लेट हो गया ना, एक तो पैकअप। तो तुमको और क्या ये लगता है? उससे भी कम सोई है मीट ग्लोरी मैम, जो अभी चलने वाली है लेकर के मुझको गोरेगांव। चलो ठीक है। आपके बच्चे क्या कर रहे होंगे घर पे? अरे वो लोग तो सब उड़ गए यार, सब लोग इतने एक्साइटेड है, सबको टाइम चाहिए पता है। मुझे आज बच्चे के साथ साथ तूने भी फोन कर दिया, वॉशरूम में थी। ये ब्लॉग में डालो कि वॉशरूम में थी। हाँ तो क्या ब्लॉग वाले जो देखते हैं वो क्या वॉशरूम नहीं जाते, सुबह सुबह पॉटी नहीं जाते? आप लोग जाते हो ना, मैं भी जाती हूँ, होता नहीं वो अलग बात है। हम सुबह 5:30 बजे निकले हैं और लोग यहाँ पे 5:30 बजे घूम रहे हैं, खा भी रहे हैं। सुबह सुबह किसको भूख लगती है? मुन्ना बड़ा प्यारा, मम्मी कदरा है। हैं? जिनको प्यार करते हैं उनके पास मुत्ते नहीं है वे। हगी, पुच्ची, कुई कुई कुई, आजा पुच्ची दे दे। पुच्ची, बोले, बोले I love you। ओ मेरा बेटा, मेरा बेटा। कितना खुश हो जाता है। मुझे पगार दे तो खेलने का नहीं मिलता हरी। चलो थक गए मैं, गोले गोले में बुद्धा हो गया हूँ ना। चल ठंडी लगी, मैं भूल के गई थी। कुछ जेस के ऊपर, कुछ जेस के ऊपर, कुछ जा गोलो। चल पुच्ची दे दे मुझे पुच्ची। So I got ready, but आपको मेरी आंखों में दिख रहा होगा कि कितना नींद है। और कल बहुत रोना धोना हुआ, कल बहुत ज़्यादा, और उसका थोड़ा सीक्वेंस बच गया है, आज वो शूट होगा। ओह माँ, आपको क्या लगता है कितना बजा है अभी? इट्स मॉर्निंग 7:30, कॉल टाइम 6:30 का होता है। ऑफकोर्स तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं एग्जैक्टली 6:20 को मैं पहुँच गई थी, थोड़ा गोलू के साथ खेला मैंने। चंदा मामा छोड़ने आए थे, सूरज मामा हाय करने आए। प्रणाम कर लो तुम। ये देखो, ये तो हालत है हम लोग की। हम लोग की क्या हालत है? हम लोग को चंदा मामा छोड़ने आते हैं और सूरज मामा विटामिन डी देने आते हैं। यार आज सूरज भी कम चमक रहा है ना। अभी बादल है ना बॉम्बे में, मतलब ये आसार है कि बॉम्बे में भी कभी बर्फ गिरेंगे 100 साल के बाद। तब तक हम जिंदा रहेंगे क्या? अरे 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 चल।
माँ क्यों रो रहे हो? विदाई बस नाम की है, छुट्टी की, छोटा सा आंगन पार करके इस घर से उस घर में जा रही है बस। आंगन पार करके बेटी स्कूल कॉलेज और अपने काम पे जाती है, हमारी चुटकी तो चौखट पार करके अपने ससुराल जा रही है। दिल तो भारी होगा ही। फिर ये भार उतार दीजिए चाची जी। विद्या मायके की याद मन में लेकर ही जाती है, पर हम इनका ये भार उठाने नहीं देंगे। याद तो उसे किया जाता है जो पीछे छूट जाए। अरे चुटकी तो अभी भी आपकी एक आवाज में दौड़ी चली आई। अब राधा रानी को थैंक यू कही, अब तो चुटकी के दो दो घर होंगे, वो भी इतने पास पास, है ना चुटकी? At last, मेरे ये गेटअप का शूट हुआ कंप्लीट। अब मैं दूसरे स्क्रिप्ट की तरफ जा रही हूँ। आज का स्क्रिप्ट नया हुआ, तो अभी तक मेरा गेटअप आया नहीं है, सारी आया नहीं है। मैं चेंज करती हूँ एंड ये पूरा बंच पढ़ती हूँ। ये आज का शूट का है, आज पूरा दिन भर इसी में शूट होगा। Stay tuned. ये जो चूहा है इसको हमने पाल रखा है, ये आता है डेली, बिस्किट खाता है मेरा और चला जाता, चला गया। चाची क्या हो रहा है? मैं तो मौजी में निकली हूं, मैं बोलूंगा तभी आई। कौन सा सीन चल रहा है? इमली के जाने का जितना दुख जुगनू को हुआ ना, इधर जुगनू मेरे को चाची पूछ रही थी कौन सा सीन कौन सा चल रहा है। क्या पूछ रही है? सीन कौन सा चल रहा है? मेरे जाने से पहले सीन कर सीन डन। पोजीशन ही नहीं छोड़ती, सीन डन। हाँ चाची फुल मजे। इतने सारे बूंदी चूर के लड्डू के बीच में मैं लड्डू दिख ही नहीं रही हूँ। इनके सर पे क्या हो गया? ए बी सी। मैं यहाँ से थोड़ी डालूंगी, इतना तुम डालोगे मैं ऐसी डालूंगी। नीचे का फूल तुम्हारे कलर से मैं जैसे मेरे पति का इंटरेस्ट मरता जाता है, एक ही गिरता जाता है। जिस दिन एक बच्चे का समझ पति का हो जाए। ये हमारा स्टोर रूम वाला एरिया है। ये कुछ तो हो रहा है, नाश्ता आया भैया। वाह गर्मा गर्म नाश्ता, आज समझ ही नहीं आ रहा क्या। एडी का शूट चल ची एठी भी हो ची रूम मते जाना नहीं इतना। आओ ड्रेस उले ही दलो जे। तीन स्टार के तंग तीन स्टार है। हाँ मैडम आगे जो थिला ना। हाँ की थिला आगे जो हमरो पार्ट टू थिला ना मिले रहता है ये कंटिन्यू मिले। कहाँ जा रहे हैं आप? इधर जा रहे हैं क्या? हाँ इधर क्यों ऐसे घूमने? अच्छा नहीं जा सकते? नहीं जा सकता है, लेकिन आप राठौड़ हो जाए ना अपना। मैंने देखा ही नहीं है ये। दिस इज विश्वा हाउस। okay.
मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, पहली बार आई हूँ मैं। There's birthday girl. Happy birthday, Dee. सो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत तामझाम हो गया। जरूर आके मेरी हालत देखिए, क्या हालत हो गया। अभी और एक सीन है जिसमें थोड़ा तामझाम है, बट मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो यहीं ख़त्म कर देते हैं। सो गाइस, स्टे ट्यून, ऐसे ही प्यार देते रहिए, एंड द हेटर्स प्लीज़ ऐसे ही कमेंट करते रहिए। थैंक यू।